सो दोस्तों, ये रही प्योर ब्रांड की इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस मॉडल का नाम है ई प्लूटो 7G। मैंने इसका एक डिटेल रिव्यू किया है चैनल पे, बहुत अच्छे व्यूज़ भी गए। बाकी काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि नए वाले मॉडल का वीडियो बनाओ। सो इसमें कुछ अपडेट आए हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं वीडियो में। साथ में हम डिटेल से जानेंगे इस स्कूटर के बारे में, इस स्कूटर की प्राइस की। इसकी आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ने वाली है 86,999 रुपये, और ये ऑन रोड आपको पड़ जाएगी 98,500 के आसपास। कंफर्म प्राइस आपको शोरूम पे विजिट करोगे तभी आपको पता चलने वाला है। इस शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्कूटर की बैटरी के बारे में, रेंज के बारे में, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, चाहे वो स्कूटर हो या बाइक हो। सो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले इसकी बैटरी हम देख लेते हैं। इसमें आपको पोर्टेबल बैटरी मिल जाती है जिसे आप घर पर ले जाकर चार्ज कर सकते हो, और साथ में आप ये स्कूटर में भी चार्ज कर सकते हो। स्कूटर में चार्ज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आप कनेक्ट करके आप कहीं भी आप पार्किंग में लगा के अपनी स्कूटर को चार्ज कर सकते हो। और आपकी बैटरी मिलने वाली है सीट के अंदर है, मैं ये ओपन करके दिखा देता हूँ। सो आपको कुछ ऐसे की मिल जाएगी, की के बारे में आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम सीट खोल लेते हैं। सो सीट ओपन हो चुकी है, ये ओपन होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी, ये रहा, इधर से कुछ ऐसी दिखने वाली है। और ये रही आपकी बैटरी जो कि अंदर की तरफ है लगी है। और पहले क्या था कि पहले इसमें आपको स्टोरेज नहीं मिलता था, सो मैं दिखा देता हूँ। अभी आपको कुछ स्टोरेज मिल जाता है, इसमें आपको छोटा वाला हेलमेट अभी फिट हो जाएगा, लेकिन वो वेगा का जो छोटा वाला हेलमेट आता है वही फिट होने वाला है। सो बैटरी आपकी कुछ ऐसे लगने वाली, इसे आप निकाल भी सकते हो। ये रही MCB, ये आप ऐसे ऑफ कर दो, उसके बाद यहाँ से निकालो, उसके बाद ये सही से आप निकाल सकते हो ऐसा करके। सो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। दूसरी बैटरी यहाँ पे है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ निकालने के बाद कैसी दिखेगी। इसे हम लॉक कर देते हैं, MCB ऑन कर देता हूँ, और ये ऐसे ये लॉक हो गई सीट। और ये रही दूसरी बैटरी, मैंने रखा ये अलग से यहाँ पे। और इसकी बैटरी की बात करें तो आपको मिल जाएगी 2.5 किलोवाट की बैटरी, 60 वोल्टेज आपको मिलने वाला है इस बैटरी में। और इस बैटरी के ब्रांड की बात करें तो आपको लिथियम आयन की बैटरी मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हो आपको प्योर लिथियम की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसके चार्जिंग टाइम की बात करें तो आपको 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं चार्जिंग टाइम। और बिजली कितनी कंज्यूम होगी, 3 यूनिट बिजली आपकी लगने वाली इस बैटरी को फुल करने में। और इस बैटरी की वारंटी आपको 3 ईयर की मिलने वाली है। और कितना रेंज मिल जाएगा वो आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं, मोड के हिसाब से रेंज अलग अलग है, टॉप स्पीड भी अलग अलग है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर इस बैटरी की वारंटी एक्सपायर हो जाए, मतलब 3 ईयर इस बैटरी को हो जाए और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, अगर आपको तब नई बैटरी लेनी पड़ेगी, तब इस बैटरी की प्राइस आपको पड़ने वाली है 57,000 के आसपास। ये मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ, क्लियर प्राइस आप शोरूम पर विजिट करोगे तभी आपको पता चलने वाली है। और इस बैटरी की वेट की बात करें तो आपको 15 से 18 kg की बैटरी रहने वाली है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके रेंज की, तो मैं आपको रेंडमली बता देता हूँ, आपको 120 की रेंज मिल जाएगी इस बैटरी से फुल चार्ज होने पे, वो भी फर्स्ट मोड पे। सो अभी हम इसकी मीटर कंसोल के बारे में जान लेते हैं। सब इसके लिए आपको स्कूटर को ऑन करना पड़ेगा, उसके पहले हम की के बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको 4 की मिल जाएगी ऐसा करके, एंड इसे आप रिमोट असिस्ट कर सकते हो, मतलब विदाउट की भी आप इसे ऑन कर सकते हो, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। या आप अनलॉक कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, स्टार्ट भी कर सकते हो। साथ में आपको इसमें मिल जाएगा एंटी थीफ्ट अलार्म मिल जाएगा, जब आप इसे लॉक कर दोगे कोई भी आपके स्कूटर को आगे पीछे करेगा या चोरी करने की कोशिश करेगा तो अलार्म बजने लगेगा, इसे आप पता चल जाओगे और आपकी स्कूटर सेफ रहने वाली। अभी हम ऑन कर लेते हैं स्कूटर को। सो की यहाँ पे आपकी लगने वाली है, ये मैं ऑन कर देता हूँ। सो ये ऑन होने के बाद मीटर कंसोल कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत ही प्यारा सा मिल जाएगा, मुझे इसका मीटर कंसोल बहुत अच्छा लगा। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इधर की, ये आपका थ्रोटल हो गया, ये आपका हो गया ब्रेक लीवर। और यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाते हैं, 3 मोड्स मिल जाएंगे। फर्स्ट मोड्स पे आपको टॉप स्पीड मिलने वाली है 35 की, और आपको रेंज मिल जाएगी 120 की। और सेकेंड मोड पे आपको मिलने वाला है ऐसे, सेकेंड मोड आपका लगेगा, सेकेंड मोड पे आपको टॉप स्पीड मिल जाएगी 45 की, और आपको रेंज मिलने वाला है 110 का। और थर्ड मोड की बात करें, इस पर आपको अच्छी खासी टॉप स्पीड मिल जाएगी, इस पर आपको टॉप स्पीड मिलने वाली है 55 से 60 की, और इसका रेंज कम हो जाएगा, 90 से 100 के आसपास आपको रेंज मिलने वाला है टॉप थर्ड मोड पे। और ये रही स्विच आपकी पार्किंग की, जब आप इसे प्रेस करोगे तब आपकी स्कूटर पार्किंग से हट जाएगी, मतलब ये आप प्रेस करोगे तब आप इसे थ्रोटल देके आगे ले सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं तो क्या होता है इलेक्ट्रिक बाइकों में, क्या होता है इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में आवाज़ नहीं आती, तो थ्रोटल देने पर पता नहीं चलता वो पार्किंग पे है क्या है, वो कभी भी चलने लगती है। सो ये मुझे बहुत कूल सा फीचर लगा, आप इसे ऐसे फिर प्रेस करोगे तो ये पार्किंग पे हो जाएगी और आपकी स्कूटर आगे नहीं जाएगी बाय मिस्टेक जब आप ट्रैफिक में खड़े होते तो। और ये रहा आपके हेडलाइट के स्विचेस, आपको मिल जाते हैं यहाँ से, आपकी हेडलाइट हो जाएगी, और ये आपका हॉर्न का मिल जाता है,
अच्छा खासा लाउड हॉर्न आपको मिल जाता है। और ये रहा इसका मीटर कंसोल जो आपको फुली डिजिटल मिलता है। यहाँ पे आपको ये बैटरी का शो करेगा, ये आपका पार्किंग का एंड टॉप स्पीड बताएगा, कितना किलोमीटर स्कूटर चलिए बताएगा, ये प्योर का इंडिकेटर एंड ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है। ये आपका मोड शो करेगा। और इधर के स्विचेस की बात करें तो ये आपका अपर डिपर हो जाता है, ये आपका हॉर्न हो जाएगा, यहाँ पे आपका इंडिकेटर हो जाएगा, ये आपका हो जाता है ब्रेक लीवर। और मिरर आपको कुछ ऐसे मिलने वाले हैं जो कि आप देख रहे हो। और यहाँ की बात करें तो आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, सो यहाँ पे आपकी की लग जाएगी, यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाएगा और ऐसा कुछ यहाँ पे स्टोरेज टाइप का दिया गया है, ये ओपन करके देख लेते हैं। सो ये रहा, यहाँ पे आप फ़ोन कैरी कर सकते हो और थोड़ा बहुत आपको स्पेस मिल जाएगा, कुछ भी कैरी कर सकते हो। सो ये मैं लॉक कर देता हूँ, ये लॉक हो गया और यहीं पर मैं की लगा देता हूँ। और यहाँ पर आपका नीचे फुटरेस्ट रहने वाला अच्छा खासा मैट दिया गया है ताकि आपको अच्छा खासा ग्रिप मिल चुके हैं। और यहाँ पर आपको सेकेंड चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी आपको ऐसा इसकी फिनिशिंग मुझे बहुत अच्छी लगी इस स्कूटर की। सो यहाँ पे आपको ऐसा फुटरेस्ट मिल जाएगा छोटा सा प्लेन राइडर के लिए। और इधर की बात करें तो आपको एक हुक मिल जाएगा, यहाँ पे आप कुछ कैरी कर सकते हो या फिर आप इसे डुअल स्टैंड पे लगाने के लिए हेल्प ले सकते हो। और इधर आपको ई प्लूटो 7G की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड स्टिकर वर्क, और ऐसा आपको फ्रेम गार्ड मिल जाएगा ताकि आपके स्कूटर के बॉडी को प्रोटेक्ट करे, जब गिरे तो लगे ना। और साथ में प्लेन राइडर को एक फुटरेस्ट मिल जाएगा ऐसा कुछ। और नीचे इधर से ये स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली। अभी हम बात कर लेते हैं इस स्कूटर के मोटर के बारे में। इसमें आपको मोटर मिल जाएगा 2.5 किलोवाट की, इसकी वारंटी आपको 1 ईयर की मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको प्योर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सो इधर से स्कूटर कुछ ऐसे दिखेगी, एक फुटरेस्ट यहाँ भी है अलग से, आप देख सकते हो ऐसा कुछ, इसे फोल्डेबल है। सो ये स्कूटर लेफ्ट साइड से ऐसे कुछ दिखने वाली है और यहाँ से कुछ ऐसे दिखेगी। अभी हम बात कर लेते हैं इस स्कूटर के फ्रंट लुक के बारे में। इस स्कूटर का फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, बहुत ही क्लासी लुक के साथ में आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका फ्रंट लुक। और इसके हेडलाइट की बात करें तो आपको LED मिल जाएगी, इंडिकेटर भी आपको LED मिल जाते हैं, साथ में DRL आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही आई कैची और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट लगेगी। सो ये इधर से कुछ ऐसे दिखने वाले है स्कूटर। आपको ग्लास पे भी क्रोम वर्क देखने को मिलेगा, इधर देख सकते हो, ये प्यारा लग रहा है। और यहाँ साइड प्रोफाइल की बात करें सो यहाँ पे भी आपको स्टिकर वर्क मिल जाएगा मड गार्ड पे जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें सस्पेंशन आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिल जाएगा और रियर में आपको मिलने वाले हैं डुअल शॉक एब्जॉर्बर। और टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा, काफ़ी वाइडर टायर साइज आपको मिल जाता है, 90x100 सेक्शन का फ्रंट में मिल जाएगा जो कि 10 इंच के व्हील के साथ में आता है। और रियर की बात करें तो रियर में भी आपको सेमी साइज मिल जाएगा। ब्रांड की बात करें तो आपको C8 ब्रांड का टायर मिलने वाला है। और इसकी व्हील देख सकते हो, आपको एलॉय व्हील मिल जाएगी फ्रंट रियर में जिसकी साइज रहने वाली है 10 इंच। और आपको इस पे क्रोम मतलब ऐसा सिल्वर का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही आई कैची है और बहुत अच्छा दिख रहा है। और डिस्क की बात करें, ब्रेक की बात करें तो आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाएगी, रियर में ड्रम मिल जाएगा। और ब्रेकिंग सिस्टम आपको इसमें काम करने वाला है CBS जैसा, प्रॉपर CBS नाम मेंशन नहीं किया गया है लेकिन CBS जैसा ही काम करेगा, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जैसा। अगर आप रियर ब्रेक लगाते हो तो आपका अगला ब्रेक लगेगा, वैसा कुछ काम करने वाला है। सो अभी हम चलते हैं इस स्कूटर के राइट साइड में और राइट साइड से देखते हैं ये स्कूटर दिखती कैसी है। सो ये स्कूटर इधर से कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। इधर आपको एक फ्रेम गार्ड मिल जाएगा जैसे हमने उधर देखा था, वैसा कुछ आपको मिलने वाला है। और इधर की बात करें तो ये रहा ई प्लूटो 7G की ब्रांडिंग, यहाँ पे आपको मिल जाएगी सेम स्टिकर वर्क जैसे हमने देखा था। यहाँ से आप सीट ओपन कर सकते हो और ये रहा आपको अलग सा लेडीज फुटरेस्ट मिल जाएगा। और इधर से ये स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाले, यहाँ पे भी आपको प्योर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, काफी अच्छा डिटेल वर्क किया गया है। और इसमें आपको साइड स्टैंड एंड डुअल स्टैंड दोनों मिलने वाला है। सो इधर से ये स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाले भी आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। और अभी हम चलते हैं इस स्कूटर के रियर में। तो ये स्कूटर रियर से कुछ ऐसे दिखने वाली, ये रही टेल लैंप जो कि आपको LED मिल जाते हैं, इंडिकेटर भी आपको LED मिल जाएंगे जो कि कुछ ऐसे मिलने वाले हैं अलग डिजाइन के साथ में। और नीचे यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा, आपको एक एक्स्ट्रा मेडगार्ड भी मिल जाता है। सो रियर से ये स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाले, अभी हम बात कर लेते हैं। सो इसमें आपको कुछ ऐसी सीट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ई प्लूटो 7G की ब्रांडिंग मिल जाएगी, सो आप देख ही सकते हो। एंड सीट क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट है, एकदम सोफे वाली फीलिंग आने वाली है। राइडर एंड पिलियन राइडर को कम्फर्ट अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ग्रैब रेल मिल जाएगा, ये ग्रैब रेल थोड़ा सा चेंज हो सकता था, मुझे इतना अच्छा ये ग्रैब रेल नहीं लगा। यहाँ पे थोड़ा कुछ और अच्छा सा ऐड करते तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता, क्योंकि ये स्कूटर का लुक बहुत अच्छा है, बहुत ही क्लासी दिखती है, उसकी वजह से इसका ग्रैब रेल जो है ये चेंज करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मीटर कंसोल के बारे में तो आप लोगों ने देखा ही जाना ही। सो दोस्तों ये रही ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इस स्कूटर के बारे में। और इस स्कूटर का हॉनेस्ट ऑनरशिप रिव्यू का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। वो स्कूटर चल चुकी थी 20,000+ किलोमीटर और उस स्कूटर के लेके उन्हें 1 ईयर हो चुका था, तो जो एक्सपीरियंस था उन्होंने शेयर किया है, सब कुछ मैंने मेंशन किया है, उसका वीडियो आपके चैनल पे मिलने वाला है, सो वहाँ पे जाओ और देखो। और इसके चेंजेस की बात करें तो इसमें आपको अभी स्टोरेज मिल जाता है, मतलब बूट स्पेस मिल जाता है, पहले वाले में नहीं था। और सेकंड में आपको सस्पेंशन में थोड़ा बहुत इंप्रूव किया गया है। सो यही अपडेट हुआ है और कुछ भी अपडेट आता है तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये स्कूटर आप लोग कैसी लगी, किसके किसके पास है, कौन को लेना चाहता है। सो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।